ये बस गाइस, सो होस्ट बटन बैक विद अ न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे येस बैंक के बारे में। तो फिलहाल आज हम देखेंगे कि आज येस बैंक ने गैप ओपनिंग दिखाई और येस बैंक वैसे ही ऊपर जाता हुआ नज़र आया। बट जैसे कि येस बैंक के ऊपर यहाँ पर बहुत सी थोड़े रेजिस्टेंस है, जो कि यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस की तरह काम तो कर रहा है, बट रेजिस्टेंस ऐसा है जो टूट सकता है बट नॉट सो इजीली। आज थोड़ा सिनेरियो चेंज हुआ है जो मैं आपको दिखाऊंगा। आज थोड़ा सिनेरियो में चेंज आया है, तो जो भी लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन लेके रखे हैं या फिर थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखा है, वो थोड़ा वीडियो एंड तक देखिएगा। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके मत जाइएगा। कुछ लोगों ने कल हाफ इन्फॉर्मेशन लेके गए, ठीक से सुना नहीं। मैं येस बैंक की नहीं बात कर रहा, मैं इंडिया वाला हाउसिंग फाइनेंस की बात कर रहा हूँ। फिलहाल इसकी बात करते हैं, तो आज इसमें थोड़ी तेज़ी नज़र आई, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि न्यूज़ बेस्ड काम थोड़ा इसमें हो रहा है, तो न्यूज़ के ऊपर ध्यान ज़रूर दीजिएगा। मैं आपको न्यूज़ भी बताऊँगा। फिलहाल टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, सबसे पहले वही करता हूँ मैं। आज थोड़ा बड़ा है और आज थोड़ी वॉल्यूम की भी कमी है, आज वॉल्यूम की भी कमी नज़र आई। आप देख सकते हैं यहाँ पर आज वॉल्यूम की कमी बहुत नज़र आई है। फिलहाल हमेशा इसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, बट आज वॉल्यूम की कमी है वो एक कुछ ठीक बात नहीं नज़र आ रही। लोगों का थोड़ा सा इंटरेस्ट यहाँ से हटते जा रहा है, बट लोगों ने एग्ज़िट तो नहीं मारा, बट लोगों ने यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट्स बनाई है उसको होल्ड करके बैठे लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स को सेल नहीं कर रहे फिलहाल। इसका मतलब मार्केट फिलहाल होल्ड पे है। येस बैंक में लोगों ने पैसा जो लगाया है वो लोग उन्होंने अपनी जो भी पोजीशन है उसे होल्ड करके रखी है, सेल ऑफ नहीं की। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तेज़ी आई, मैंने तो कहा था इतने दिनों से, कह रहा था कि इसमें जो तूफ़ान एक आने वाला है इतना सारा कंसोलिडेट करने के बाद, और फाइनली वो आया। अभी वापस ये थोड़ा कंसोलिडेशन में जा रहा है। अगर आप देखें तो उस दिन के बाद से ये एक ही अभी तक उसी जगह पे है, भले ये नीचे गया बट वापस रिकवर भी हुआ, जैसे हमने यहाँ देखने को मिला। ये नीचे तो गया बट वापस ऊपर भी आया, तो इसे कहते हैं होल्ड करने का एक तरीका। इसे कहते हैं कि होल्ड करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें, तो आप प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिएगा। ये बात आप एक ध्यान में रखो ताकि थोड़ा आपका लॉस होने से बच सके। फिलहाल आगे की बात करते हैं, आगे देखते हैं क्या होगा। ऑप्शन चेन की बात करते हैं। ऑप्शन चेन पे आने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताओ कि यहाँ पर जो $1 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही है यूरोप से, वो इन्वेस्टमेंट्स की वजह से थोड़ी सी तेज़ी नज़र आई है। वो इन्वेस्टमेंट्स कंफर्म तो अभी तक फ़िलहाल हुई नहीं है, हुई तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा ऑब्वियसली, बट यहाँ पर मैं एक उसके ऊपर स्पेसिफिकली एक जोर नहीं डाल रहा कि न्यूज़ आ गई, क्योंकि अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। तो जब तक वो चीज़ कंफर्म नहीं हो जाती उसके ऊपर हमें एक अफवाह ही मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो श्योर नहीं हो जाता कि हाँ बाबा $1 बिलियन येस बैंक को मिले, जब तक वो मिलते नहीं, जब तक वो उनका ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होता, तब तक उसे हम एग्री नहीं करेंगे। क्योंकि हमने देखा कि पिछले टाइम पे राकेश झुनझुनवाला जी की बात हुई थी कि राकेश झुनझुनवाला ने इन्वेस्टमेंट कर ली इसमें, बट अभी क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट हुई नहीं हुई, क्योंकि जब तक वो इन्वेस्टमेंट, जब तक वो ट्रांजैक्शन फिनिश नहीं हो जाता ना, तब तक वो इन्वेस्टमेंट नहीं मान सकते। ये न्यूज़ है कि इन्वेस्टमेंट आ सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। अरविंद सिंह की बात करें तो अरविंद सिंह जो $2 बिलियन लेके आने वाले थे RBI के हिसाब से दिया, मतलब जैसे हमने कहा कि वी आर नॉट गोना गिव इट टू दी फैमिली ऑफिसेस एंड ऑल, किसी या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन को हम नहीं देंगे, हम किसी रेप्यूटेड इसको ही अपना स्टॉक, अपने जो इक्विटी है वो बेचेंगे, जैसे रवनीत गिल ने कहा था। मैंने कुछ दिन पहले ये भी न्यूज़ दी थी, तो उसमें अरविंद सिंह का नाम निकल के आया था कि अरविंद सिंह को नहीं मिलेगा ये। तो यहाँ पर जो यूरोपियन मैंने कहा था जो QIPs आ रही थी उनसे टाई अप चल रहा है, उनसे
रवनीत गिल जी ने भी कहा था कि हाँ उनसे हो सकता है और उनसे करने की ट्राई करेंगे और वो भी एग्री है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट ऐसी है जो कि हो सकती है। तो जिन्होंने भी इसमें माल उठा के रखा है वो उन्हें एक ही रहेगा कि होल्ड करो, अगर आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी होल्ड करो। मैंने जो टारगेट दिया था 70 का एक शॉर्ट टर्म के लिए, उसे आप ध्यान में रखो, उसको बिल्कुल भी मत भूलना, उसको आप ध्यान में रखो। ताकि मैं आगे तो वीडियो बनाता रहूँगा, आपको बता रहूँगा कि क्या हो रहा है। फिलहाल आज थोड़ा सिनेरियो ऑप्शन चेन पे चेंज हुआ है, तो उसकी बात करेंगे कि आज ऑप्शन चेन पे हुआ क्या है। आज ऑप्शन चेन पे भले ही स्टॉक ऊपर गया हो, पर ऑप्शन चेन पे मुझे थोड़ी नेगेटिव चीज़ें नज़र आ रही है, थोड़े नेगेटिविटी यहाँ पर मुझे एक गलत चीज़ होते हुए नज़र आ रही है। कि पहली बात तो ये है कि हम देखेंगे कॉल साइड में, तो कॉल साइड में भारी मात्रा में राइटिंग हुई है। तो जो 55 का जो सपोर्ट था वो यहाँ पर एक सपोर्ट नहीं कह सकते, रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस यहाँ पर स्ट्रांग होते हुए नज़र आ रहा है, काफ़ी स्ट्रांग, बहुत भारी मात्रा में राइटिंग। और यहाँ पर पुट साइड में वही अनवाइंडिंग नज़र आ रही है। 60 की बात करें तो 60 पे भी काफ़ी भारी मात्रा में कॉल राइटिंग हुई है, और यहाँ पर 60 में पुट साइड में बड़ी भारी मात्रा में अनवाइंडिंग हुई है, बहुत बड़ी। तो ये जो रेजिस्टेंस थे जो हर रोज टूट रहे थे, आज स्ट्रांग हुए, आज सिनेरियो थोड़ा उल्टा है। भले स्टॉक ऊपर गया है पर सिनेरियो थोड़ा उल्टा नज़र आ रहा है। 50 की बात करें कि 50 कितना स्ट्रांग सपोर्ट है, तो 50 फिलहाल तो एक दिन में टूटने वाला सपोर्ट है, क्योंकि आज पुट साइड में 50 में अनवाइंडिंग नज़र आई, यहाँ पर एडिंग नज़र आई, तो ये एक नेगेटिव चीज़ है। 45 की बात करें तो 45 अभी भी एक कमज़ोर सपोर्ट है। ये मैं पिछले वीडियो में भी कह रहा हूँ, उसके पिछले वीडियो में भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि 45 एक आसानी से टूटने वाला कमज़ोर सपोर्ट है अभी भी। और आज जैसे यहाँ पर अनवाइंडिंग नज़र आई, ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पर अनवाइंडिंग नज़र आई कॉल साइड में, तो बट बुरी बात ये भी है कि पुट साइड में भी अनवाइंडिंग नज़र आई, तो इतना भी कुछ मैटर नहीं करता दोनों साइड की अनवाइंडिंग, क्योंकि कैलकुलेशन के हिसाब से ऑलमोस्ट दोनों भी इक्वल ही बैठते हैं। आगे की बात करें 60 की, तो 60 एक आज एक अहम प्राइस बन के आया है, क्योंकि आज जो अनवाइंडिंग नज़र आई है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इतनी बड़ी, बहुत बड़ी पुट साइड में, जो कि एक बुरी खबर है यहाँ पे यस बैंक के लिए। और जो राइटिंग नज़र आई है वो भी एक बुरी खबर है, उसे ये स्टॉक नीचे की तरफ हमें इशारा दे रहा है, जो 60 और 55 की प्राइजेस है वो दोनों भी प्राइजेस हमें नीचे नज़र आता है। बट यहाँ पर एक ऐसा सपोर्ट है, जो सपोर्ट है नीचे 50 का, वो भी एक दिन में टूट सकता है, तो इतना भी कुछ नीचे जाने की संभावना नहीं है। बट 55 की बात करें, ये एक अहम रहेगा कि आगे कैसे इसे ऑप्शन चेन के एनालिसिस पे जज करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, बहुत मुश्किल है। मैं भी यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि इसका जो रेजिस्टेंस है टूट सकता है, इसका सपोर्ट है कमज़ोर है, बट काम जो है ना वो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली न्यूज़ बेस्ड हो रहा है। आप बोलोगे कि भाई तू भी कंफ्यूज लग रहा है, बट भाई काम ही ऐसा हो रहा है यहाँ पर कम्प्लीटली न्यूज़ बेस्ड काम हो रहा है। आज तेज़ी इसलिए आई क्योंकि $1 बिलियन का जो यूरोपियन की इन्वेस्टमेंट्स थी वो थोड़ी सी अप्रूव्ड नज़र आ रही है, थोड़ी सी होने के आसार नज़र आ रहे हैं, इसलिए इसमें तेज़ी नज़र आई, वरना इसमें तेज़ी का कोई कारण नहीं है। क्योंकि ऑप्शन चेन में तो यहाँ पर कम्प्लीटली अनवाइंडिंग नज़र आ रही है पुट साइड में, और राइटिंग नज़र आई है कॉल साइड में। आगे की बात करें 65 की, अगर बात करें तो 65 एक आज इतना खासा कुछ ट्रेडिंग रहा नहीं 65 में, दोनों जगह पे ऑलमोस्ट सिमिलर रहा है। यहाँ पर पुट साइड में एज यूजुअल अनवाइंडिंग नज़र आई, जैसे कि पूरा पुट साइड ही अनवाइंडिंग में भरा पड़ा हुआ है। बट 70 का जो मैंने कहा था, जो जिस जगह पे हमें एक नज़र रखनी थी, 70 की बात करें तो 70 के यहाँ पर आज काफ़ी बड़ी अनवाइंडिंग नज़र आई, जो कि एक अच्छी बात है। जैसे 70 आज कमज़ोर हुआ है, 70 का जो रेजिस्टेंस है वो आज कमज़ोर हुआ है,
बट 55 का रेजिस्टेंस जो आज एक दिन में जो इसने स्ट्रेंथ बनाई है ना, उसे देख के मैं ज़रूर चौंक गया, ज़रूर। कि 55, अगर हम 55 की बात करें तो 55 फ़िलहाल यहाँ पर आता है, जो 55 का जो ऑप्शन है यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर इसे बहुत राइटिंग नज़र आई है इस चीज़ पे। तो बहुत से लोगों को लगता है कि 55 के ऊपर ये जाएगा नहीं, 55 के नीचे ही रहेगा, जो कि इज़ अ नॉट अ गुड थिंग फॉर यस बैंक। तो आगे की बात करें, अगर हम देखें नीचे, देखें थोड़ा नीचे जाए, अगर हम स्टॉक गिरता भी है तो नीचे जाके देखें कि सपोर्ट कहाँ कहाँ पे मिलेगा। 45 का तो वीक ही है, मैंने बताया 40 का इज़ ऑल्सो अ वीक सपोर्ट, 40 और 35 इज़ अ एवरेज काइंड ऑफ सपोर्ट। तो अगर एक बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आए ना, कोई बहुत बड़ी नेगेटिव, तो स्टॉक 35 छू सकता है, बहुत बड़ी नेगेटिव, क्योंकि न्यूज़ बेस्ड काम चल रहा है, ऑप्शन चेन से एनालिसिस करना भी मुश्किल हो रहा है, ऑप्शन चेन से एनालिसिस करना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि टोटल जो सपोर्ट, टोटल जो रेजिस्टेंस बन के आया है वो इतना खास नहीं है, बट एक दिन में जितने बन के आया ना वो काफ़ी बड़ा है, और एक दिन में इतनी बड़ी राइटिंग नज़र देखने को आ रही है, इसका मतलब कि लोगों को 55 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है, लोगों को नज़र आ रहा है। यहाँ पर ऑन पेपर वो इतना स्ट्रांग नहीं है, बट आगे एक दो दिन में ये बन सकता है, आगे एक दो दिन में ये बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। बट अभी अगर जैसे आज एक पॉजिटिव न्यूज़ आए कि हाँ $1 million का जो इन्वेस्टमेंट है वो सफल होता है, अगर कल रवनीत गिल ने ये भी कहा है कि इन्वेस्टमेंट ना आना, ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब इन्वेस्टमेंट आएगी ही, कि एक ही बात बताना चाहूँगा कि आएगी नहीं, जब आएगी तब देखेंगे, अभी तक आई नहीं है, जब आएगी ना तब देखेंगे, अभी तक आई नहीं है। तो जब तक आती नहीं ना, तब तक थोड़ा सावधान बनो, क्योंकि एक, क्योंकि दो बड़ी न्यूज़ स्टॉक को 5% ऊपर लेके जा सकती है, लेकिन एक नेगेटिव न्यूज़ स्टॉक को 10% नीचे भी लेके आ सकती है, ये बात आप ध्यान में रखो। तेज़ी इतने आसानी से नहीं आती, बट जो नेगेटिविटी आती है ना वो बहुत आसानी से आती है। यहाँ पर आज तो स्टॉक ऊपर गया है, कल ये थोड़ा नीचे हमें नज़र आ सकता है, अगर कोई अच्छी, क्योंकि अगर ये न्यूज़ बरकरार नहीं रही तो, अगर ये न्यूज़ बरकरार नहीं रही तो स्टॉक नीचे आता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि ऑप्शन चेन हमें ऐसा बताती है। यहाँ पर न्यूज़ के ऊपर बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा, आपको मार्केट में अपडेट रहना ही होगा अगर यस बैंक में ट्रेडिंग करनी है तो, मार्केट में आपको अपडेट रहना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर यस बैंक में हो क्या रहा है। वेल, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इट्स अ होस्ट विद साइनिंग ऑफ, सी यू इन माय नेक्स्ट वन। और हाँ, बाइंग और सेलिंग, अभी तक मैंने बताया नहीं कि बाय करो या सेल करो, तो वो बात, क्योंकि मैं कॉल देने का काम नहीं करता, तो मैं बस आपको एनालिसिस देता हूँ। वेल, इट्स अ होस्ट विद साइनिंग ऑफ, सी यू इन माय नेक्स्ट वन। ड्रॉप द बॉम्ब।